नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडियम क्रिकेटिंग स्वागत है। राजस्थान में रोडवेज भर्ती में अलग अलग जो है यहाँ पर जितने भी पद रिक्त है, चालक, परिचालक, मैकेनिकल, लेखा अधिकारी, अन्य जितने भी पद है, सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आज ही के न्यूज़पेपर में आइए पूरी डिटेल की कितने पद रिक्त है, कहाँ पर क्या है। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले घोषणा भी हुई थी कि भर्ती आने वाली है आपके कुछ पदों पर, ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आई थी। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होगी जैसा कि यहाँ पर जानकारी मिली है, क्योंकि अब इलेक्शन का समय आ गया है। 2023 में इलेक्शन है, 2022 चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जरूर आएगी। हर साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं 800 से 900 कर्मचारी। सार्वजनिक परिवहन की डगर कठिन, रोडवेज में 45% पीएचडी पद रिक्त चल रहे हैं, जैसा कि आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर चल सकते हैं, देख सकते हैं क्या है पूरा मामला। यो सेवानिवृत्त होंगे कार्यक्रम, सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या और अलग अलग संख्या आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले के कार्मिकों की संख्या 2021-22 में 839, 2022-23 में 811, 2023-24 में 935, 2024-25 में 774 जो है सेवानिवृत्त होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रदेश को बेहद डगर जो है परेशानी हो रही है यहाँ पर काम करने में। और देखिए रोडवेज में अधिकारी व कर्मचारी के करीब 24,000 पद हैं, लेकिन इनमें से 10,500 से अधिक पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा पद जो है यातायात, चेकिंग और यांत्रिक शाखा में रिक्त है। इसी के कारण यहाँ पर दोस्तों रोडवेज घाटे में चल रहा है और 80% से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों वर्गों में चेकिंग और यांत्रिक में जो है यहाँ पर पद सबसे ज़्यादा चल रहे हैं रिक्त। सारी जानकारी आप ध्यान से पढ़िए, अब बताता हूँ आपको। देखिए अधिकारी के यहाँ पर जो पद है 215 पद रिक्त है, लेखा के यहाँ पर 288 पद है। भर्ती आए तो इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, भर्ती पर बहुत जल्दी आएगी। आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी तैयारी करते रहिए। यांत्रिक की 226 पदों पे, भंडार की 114 पदों पे, प्रशासन की 1015 पद, प्रशासन के 1015 पद जो है रिक्त हैं यहाँ पर। यातायात में जो है सरकार ने भर्ती नहीं दी है, सब में भर्ती आ गई है पर यातायात के अंदर भर्ती नहीं आई अब तक, 1015 पद खाली है। यातायात चेकिंग में 411 पद रिक्त हैं, मैकेनिक में यहाँ पर 2852 पद रिक्त हैं, चालक के अंदर यहाँ पर 1695 पद रिक्त है और परिचालक के अंदर यहाँ पर 2999 पद रिक्त है। और अन्य के यहाँ पर जो और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पद, जैसे LDC हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनके लेके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1034 पद रिक्त चल रहे हैं। टोटल बात करें तो यहाँ पर जो है पद रिक्त चल रहे हैं 13849 पद जो है, दस हज़ार आठ सौ उनचास पद रिक्त चल रहे हैं। कितने पद रिक्त हैं दोस्तों? 10849 पद रिक्त है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण बड़ी जो है यहाँ पर नाकामी है सरकार की कि इतने पद जो है यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। रिफॉर्म एजेंडा अब तक लागू नहीं की जा सकती नई भर्ती। ये रिफॉर्म जो है एजेंडा है जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा, तब आपकी भर्ती आएगी। देखो पिछली भाजपा सरकार ने रोडवेज को लगातार घाटे में बताते हुए साल 2014-15 में रिफॉर्म एजेंडा लागू किया था। इस एजेंडे में नई भर्ती करने पर भी रोक लगाई गई थी। एजेंडे के अनुसार रोडवेज में कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी, केवल ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही की जाएगी। तो और भर्तियां नहीं की जाएगी पर ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की जा सकती है जैसे वित्त विभाग की स्वीकृति मिलती है। पिछले कई वर्षों से रोडवेज के में इसी कारण कोई भर्ती नहीं की गई। कांग्रेस सरकार के 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये रिफॉर्म एजेंडा लागू है। तो ये रिफॉर्म एजेंडा कब खत्म होगा और कब आपकी वैकेंसी आएगी, आपको इंतजार है, लालसा है इस भर्ती की। तो जो विद्यार्थी है वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। कितने पद रिक्त चल रहे हैं? 10849 पद। बहुत ज़्यादा पद होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिल सकता है यदि सरकार चाहे तो, पर सरकार चाह नहीं रही है। सरकार की मंशा नहीं है अब तक इसको चाहने की, क्योंकि बीजेपी ने एजेंडा लागू किया था और ना ही बीजेपी ने हटाया इस एजेंडे को, और 3 साल कांग्रेस के बीत गए तब भी कांग्रेस ने इस एजेंडे को अब तक नहीं हटाया है। देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण खामियाँ
जिस प्रकार वैकेंसी नहीं आ रही है रोडवेज में। तो दोस्तों कोई वैकेंसी आएगी रोडवेज में तो ज़रूर आपको बताऊँगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए कोई भी अपडेट आएगी तो।